बिहार में 4 जगह उपचुनाव होना है। 13 नवंबर को तरारी विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव होने का घोषणा किया गया है, और जैसे ही ये घोषणा हुआ है वैसे ही जो राजनीतिक सरगर्मी है और राजनीतिक हलचल है वो अब ग्राउंड पर दिखने लगा है। प्रत्याशी अपने अपने जो संभावित प्रत्याशी हैं वो अपने अपने तरीके से फील्ड में उतर चुके हैं। ऐसे में भोजपुर ज़िले के तरारी विधानसभा सीट का ये उपचुनाव जो होने जा रहा है वहाँ पर क्या समीकरण होगा, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर के जो वहाँ के आम जनता है वो अपने प्रत्याशियों को चुनने जा रहे हैं, इन सब सारी बातों को जानने के लिए हम आरा के वरिष्ठ पत्रकारों को एकत्रित किए हैं। क्योंकि पत्रकार जो हैं वो गली गुच्ची से लेकर के और हर जगह जाते हैं और आम से लेकर के खास तक के लोगों की खास खबर उनके पास होती है, तो हम ऐसे में सारे पत्रकारों को एकत्रित किए हैं जो यहाँ के जाने माने पत्रकार हैं और उनका आकलन क्या कहता है तरारी विधानसभा के उपचुनाव में, वो अपने माध्यम से आप बताइए। आपके माध्यम से क्या है तरारी उपचुनाव में इस बार का समीकरण? तरारी उपचुनाव जो होने जा रहा है यहाँ पर त्रिकोणीय मामला हो सकता है। ऐसे तो देखा जाए तो महागठबंधन के प्रत्याशी सीपीआई के जो हैं सीडी कैंडिडेट रह चुके हैं, जो अभी वर्तमान में सांसद हैं उनकी जगह पर राजू यादव लड़ रहे हैं, और एनडीए के प्रत्याशी सुनील पांडे बाहुबली के पुत्र विशाल रंजन नाम है संभवतः, हाँ तो दोनों में मेन अगर देखा जाए मुख्यतः तो दो ही में लड़ाई है, महागठबंधन और एनडीए के तौर पर। जन स्वराज की जहाँ तक बातें आ रही हैं, जन स्वराज में युवाओं के बीच में महिलाओं के बीच में भी छाया हुआ है, हो सकता है कि ये भी एक लड़ाई दे, ये तो त्रिकोणीय मामला हो सकता है। अगर जातीय समीकरण की बात करें तो वहाँ पर क्या लगता है, कौन से जाति जो है वो विशेष रूप से वहाँ पर इस बार नई चीज़ देखने को मिलेगा। जो सांसद महोदय वहाँ के विधायक हुआ करते थे तो वैश्य समाज उनके साथ में हुआ करता था, और वैश्य समाज कभी भी जादों की ओर नहीं बढ़ता है, तो इस बार अगर देखा जाए संभवतः तो सुनील पांडे के लड़के वहाँ से निकल सकते हैं, क्योंकि वैश्य का झुकाव इस समय भाजपा के साथ हो चुकी है, और वही अगर वहाँ पर कोई वैश्य आ जाता है महागठबंधन की ओर से तो वहाँ पर उसका जीतने के भी चांस बन जाता है। वहाँ अगर देखा जाए जातीय समीकरण देखा जाए तो भूमिहार का भी है और वैश्य का भी है, और अदर कास्टों से मिल जाए तो ये निकल सकते हैं, अन्यथा लड़ाई त्रिकोणीय है। हम सीधे तौर पर आपसे ये जानना चाहते हैं कि जातीय समीकरण से तरारी विधानसभा के जो उपचुनाव है उसकी आप विवरण बताएं, विश्लेषण करें। देखिए तरारी विधानसभा का जो उपचुनाव हो रहा है वो काफ़ी दिलचस्प चुनाव है, और सबकी निगाहें जो है वो तरारी विधानसभा को लेकर लगी हुई है, टकटकी लगाए बैठे हैं। ऐसे में वहाँ जो मुकाबला है, हालांकि त्रिकोणीय अभी जैसा कि हमारे मित्र आशुतोष जी बोले हैं, लेकिन त्रिकोणीय मुकाबला वहाँ नहीं है। कारण ये है, हमने वहाँ ग्राउंड रिपोर्टिंग किया, कई गांव में भी हमने गए, वहाँ स्थिति ये है कि जो अभी सिटिंग कैंडिडेट जो सुदामा प्रसाद है, जो यहाँ के सांसद हैं, वही दो बार से वहाँ बतौर विधायक के रूप में वहाँ से चुने गए थे, और उसके पहले जो 4 टर्म से अगर कहा जाए तो 4 टर्म से सुनील पांडे जो बाहुबली विधायक थे वो उनका अपना वो गढ़ रहा है। तो लड़ाई जो है वो इन्हीं दोनों लोगों के बीच में है, क्योंकि जन स्वराज से जिस कैंडिडेट का नाम की घोषणा की गई है, जो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हैं एसके सिंह, तो उनका अभी से ही जब से नाम की घोषणा हुई तभी से ही उनका उस क्षेत्र में विरोध होना शुरू हो चुका है। मतलब पहले बॉल पर ही बोल्ड हो गई। हाँ, अगर ये कहा जाए कि जन स्वराज पहले ही गेंद पे बोल्ड हो गई तो ये कहना गलत नहीं होगा। कारण ये है कि जहाँ उनका एसके सिंह का अपना गांव है करथ गांव में ही उनका विरोध होने लगा है। देखिए वो नाराजगी सीधे तौर पर हमने जब वहाँ कुछ लोगों से बातचीत की तो ये जो मालिक है, जो सिटिंग विधायक थे जो अभी सांसद हैं, तो एंटी कॉम्बेंसी भी है, चूँकि 10 साल से वो वहाँ रहे हैं विधायक, तो एंटी कॉम्बेंसी मालिक को लेकर है ज़रूर, ठीक है, महागठबंधन को लेकर हर वर्ग में है, और वो एंटी कॉम्बेंसी का फ़ायदा कहीं ना कहीं, तो इसका ज़्यादातर फायदा अगर देखा जाए तो सुनील पांडे को ही अभी फ़िलहाल जो है सिनारियों के हिसाब से मिल रहा है। देखिए आकलन तो विशेष नहीं है, लेकिन है जितना त्रिकोणीय की कोई संभावना नहीं है। जिस तरह से भाई जी ने कहा कि पहले ही बोल्ड में, आपने भी कहा कि पहले ही बोल्ड में आउट होने वाली जो बात है बिल्कुल सही है, और वहाँ पर माले भर से बीजेपी ही होगा, और ये उपचुनाव है। उपचुनाव में जहाँ तक मेरी जानकारी है वैसी कोई विशेष नहीं है, हाँ विशेष ये है कि वहाँ के जो
जनता है विकास की मांग को लेकर के और वोट करेंगे। वहाँ मजबूत दावेदार यदि बाहुबली का नाम आता है तो सुनील पांडे की लोग चर्चा करते हैं, जिनको टिकट मिलने वाली की बात कही जा रही है। लेकिन पिछले लोकसभा की बात की जाए, जो रिजल्ट सामने आया, तो यहाँ जो चुनाव होता है जातीयता के आधार पर जो चुनाव होता है, तो उस हिसाब से हमको लगता है कि पिछले लोकसभा में जो चुनाव का रिजल्ट का नतीजा सामने आया था, वही कहीं ना कहीं तरारी में भी होगा और बीजेपी और माले के बीच की लड़ाई होगी। इसमें ज़्यादा चांस है कि जो स्थिति वहाँ बनी है कि वहाँ से माले उम्मीदवार अपना सीट निकाल लेगा। तो माना जाता है कि भूमिहारों का गढ़ है, भूमिहार वहाँ निर्णायक भूमिका में, भूमिहारों का गढ़ है। सुनील पांडे जी भी कई बार वहाँ से चुनाव लड़े लेकिन वहाँ से चुनाव जीत नहीं पाए। वहाँ से लगातार दो बार जो माले का गढ़ बन चुका है वर्तमान में, तो उस हिसाब से ये और पिछले लोकसभा चुनाव का नतीजा को देख करके ये लग रहा है कि तरारी विधानसभा का जो चुनाव होगा माले के खाते में होगा। देखिए, जिस तरह से हम 2020 के चुनाव की बात करें तो उस समय जो भाजपा के कैंडिडेट थे, कौशल विद्यार्थी थे और निर्दलीय थे सुनील पांडे, उनकी पत्नी थी सुनील पांडे की, तो जितने वोट से सुनील पांडे की पत्नी को हार मिली थी उतना ही वोट भाजपा के कैंडिडेट को मिला था संभवतः। तो ये है कि भाजपा के जो कोर वोटर थे वो भाजपा के नाम पर सुनील पांडे के साथ जुड़ेंगे। लेकिन जिस तरह से लोकसभा चुनाव की इन्होंने बात की कि जो एक वर्ग विशेष था वो मूव कर गया माले की तरफ, तो ऐसा है कि अगर ये होता है तो माले के जो कैंडिडेट होंगे राजू यादव, उनकी जीत सुनिश्चित होगी। लेकिन मुझे लगता है कि जो सुनील पांडे हैं उनका हर वर्ग में एक अलग स्थान है, हाँ अपनी पकड़ है, क्योंकि मैंने 2020 के चुनाव में उनके लिए कैंपेनिंग जैसे तरारी क्षेत्र में किया था, तो उस समय दलित से लेकर पिछड़े जितने लोग थे उन सभी लोगों में उनका एक अलग क्रेज़ था। वो लोग चाहते थे कि सुनील पांडे ही विधायक बने। उनका कहना था कि इन्होंने क्षेत्र में बहुत विकास का कार्य किया है। लेकिन जो उनके बेटे हैं विशाल प्रशांत, उनके आने से ये कितना उन पर प्रभाव डालता है, क्या सुनील पांडे को जीत मिलती है, ये भी सोचने वाली बात है। क्योंकि देखिए, एक होता है कि अगर आप खड़े हैं तो आपकी दमदार पर्सनालिटी है, लेकिन जब आपके पत्नी या आपके पुत्र आते हैं तो उस समय थोड़ा लोगों के मन में एक उहापोह की स्थिति बन जाती है। तो देखना होगा कि क्या होता है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी तक जो है बस दो लोगों में लड़ाई है, माले और एनडीए में। देखिए, जनसुराज की जहाँ तक बात करें कि एसके सिंह जो हैं वो इससे पहले गांव से काफ़ी दूर थे, जहाँ वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि गांव से काफ़ी दूर थे, और अब जब चुनाव आया है तो जनसुराज उन्हें बतौर उम्मीदवार खड़ा कर रही है। तो पहले तो लेकर जनसुराज को लेकर भी कुछ लोगों में नाराज़गी देखी जा रही थी कि आपने युवा वर्ग की बात की थी कि युवा वर्ग को आगे करेंगे, और आप क्या एसके सिंह युवा हैं, क्योंकि वो तो रिटायर्ड हैं। तो जाहिर सी बात है कि गांव से दूरी और युवा वर्ग को लेकर जो आपने बात की है उसके खिलाफ भी लोगों में नाराज़गी है। तो जी बिल्कुल, हमारे जो पत्रकार हैं जो अब विशेष तौर पर जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं तरारी विधानसभा उपचुनाव को लेकर के, उस रिपोर्टिंग के आधार पर अपने अनुभव को, अपने बातों को हमारे साथ साझा किए हैं, और साफ तौर पर इनका कहना है कि वहाँ की लड़ाई में जनसुराज कहीं नहीं जगह बना पा रहा है। वहाँ की लड़ाई सीधे तौर पर एनडीए बनाम इंडिया है, यानी कि बीजेपी और CPI-ML के साथ लड़ाई होने जा रहा है। बीजेपी की तरफ से संभावित उम्मीदवार जो हैं वो बाहुबली सुनील पांडे के बेटा विशाल प्रशांत होने जा रहे हैं, और वहीं माले की तरफ से जो संभावित उम्मीदवार हैं वो लोकसभा का चुनाव लड़ चुके राजू यादव होने जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पत्रकारों के अगर बातों का निचोड़ निकाला जाए तो जो बाहुबली सुनील पांडे हैं और उनके बेटा का जो वहाँ पर प्रत्याशी होने जा रहे हैं वो वहाँ पर सबसे मजबूत स्थिति में फिलहाल देखे जा रहे हैं। लेकिन अभी समय है, चुनाव में तारीख का भी समय बचा हुआ है, तब तक क्या स्थिति बनता है, सिनेरियो क्या बनता है, उसका हम हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। लोकल 18 के लिए भोजपुर से गौरव सिंह।